हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा एंड आई एम एमटेक इन सीएससी। आज से जो हम वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। अगर आप कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक गेट, नेट या फिर आप इंटरव्यू पर्पज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सीरीज में हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि जो लोग अभी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ही अपने कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टॉपिक हमें कौन कौन सा डीएस में टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस टॉपिक्स में से कॉम्पिटिशन एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक को। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है डीएस में, डैट इज जो हम पढ़ेंगे, डैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्यों हुई कंप्यूटर साइंस में, क्या इसका यूज है, क्या डेफिनेशन है, इसके ओवरऑल जो है बेसिक्स को देखेंगे, कहाँ इसका यूज होता है हमारे कंप्यूटर में, इसका कहाँ यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर का। तो इसमें जो कॉम्पिटिशन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे के सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो आता है वो 1 से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, लाइक गेट में, नेट में, या फिर अगर हम केवी के एग्जाम की बात करें, या फिर केवी के एग्जाम के अलावा भी जो आईटी ऑफिसर वगैरह के एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम, उनमें जो आता है क्वेश्चन, इसमें 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में से। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है डैट इज एरे, ये हम फर्स्ट ईयर में आप लोग सी के बेसिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, ये टॉपिक यहाँ पे रिपीट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बेसिक होता है एरे के, क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के एरे होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरेस में हम पढ़ेंगे, कैसे एरे को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें जो एरे के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके एड्रेस और लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पे ये न्यूमेरिकल बेस होता है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है, 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल इन सब चीज़ों पे आ जाता है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है डैट इज स्टैक, उसको है स्टैक, इसमें हम पढ़ेंगे इसके बेसिक्स के बारे में कि क्या होता है स्टैक, क्या होता है, उसका कहाँ यूज होता है स्टैक का, उसमें अर्थमैटिक एक्सप्रेशन होती है स्टैक के अंदर, तो हम वो अर्थमैटिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे और उन्हें क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्यू, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यू के बेसिक्स के बारे में, उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का कहां पे कैसे हम अपने कंप्यूटर साइंस में इन्हें यूज करते हैं स्टैक एंड क्यू को, ये हम रीड आउट करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स में से 2 से 3 मार्क्स का क्या आता है क्वेश्चन आता है, 2 to 3 मार्क्स का इन दोनों टॉपिक्स में से आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ लिंक्ड लिस्ट। इसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर इन टॉपिक्स में से कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन नहीं भी आता तो इस टॉपिक में से कंपलसरी होता है कि क्वेश्चन आते ही आता है। इसमें लिंक लिस्ट होते हैं, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट वगैरह होते हैं, कैसे हम उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, और कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इन सभी डेटा स्ट्रक्चर पर हम परफॉर्म करते हैं, लाइक इंसर्शन, एलिमेंट का इंसर्शन, डिलीशन और भी बहुत सारी चीजें, जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्री, ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल, बी ट्री और हैशिंग को पढ़ेंगे। इसमें कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं, क्या बेसिक होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें 3 to 4 मार्क्स का आता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफ, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ ग्राफ, कैसे टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इसमें पढ़ेंगे डीएफएस एंड बीएफएस, इसमें 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, इसमें हम सर्चिंग 2 टाइप की होती है वो पढ़ते हैं कि 2 टाइप की सर्चिंग कैसे की जाती है, यानी जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट डाले जाते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कैसे सर्च करते हैं और कैसे सॉर्ट, आपको पता है सॉर्टिंग 2 टाइप से होती है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे सर्चिंग की जाती है, कैसे सॉर्टिंग की जाती है। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें क्या है इस पूरी सीरीज के अंदर कवर करने हैं। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब यूनिट वाइज डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन और ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो मार्क्स का डिवीजन था, जो मार्क्स का डिवीजन था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्क्स का डिवीजन था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब जो आगे की सीरीज आएगी उसमें हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। I hope you all like this video. Please share and like this video and subscribe to my channel. Thank you.